दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में। मैं हूं आपका दोस्त भारत जांगिड़। और दोस्तों आज हमारे पास है DU10 मॉडल का ड्रिल मशीन। दोस्तों इस मशीन का जो कंप्लीट जो फॉल्ट है और किस टाइप से हमें ठीक करना है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज इसके बारे में मिलने वाली है। तो दोस्तों फर्स्ट में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, क्योंकि इसी टाइप की नॉलेजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो और आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों मशीन को आप देख पा रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं सीरीज बोर्ड के अंदर, हम इसको लगाकर चेक करेंगे। मशीन के अंदर जो इसका पावर स्विच होता है, मशीन का स्विच इसके अंदर है नहीं, तो इसको हम चेक कर पा रहे हैं। दोस्तों डायरेक्ट मशीन अंदर से किसी ने इसको डार्ट किया हुआ है, और मशीन का जो फॉल्ट है, कस्टमर का कहना है कि ये करंट, तो दोस्तों करंट इसमें बिल्कुल आप देख पा रहे हैं। जो लोहा वाला पार्ट है इसका, एल्युमिनियम वाला हेड है, और इसका जो ड्रिल चक है उसके ऊपर देख पा रहे हैं सीरीज में बिल्कुल इसकी कंटिन्यूटी फुल आ रही है, बिल्कुल जो बल्ब है हमारा बिल्कुल फुल ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों मशीन को एक बार हम चला कर चेक करेंगे, क्योंकि कस्टमर का कहना है मशीन हमारी बिल्कुल ओके चल रही है, बाकी करंट इसमें मशीन के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो ये देखिए हम इसको डायरेक्ट चला रहे हैं। तो दोस्तों इस टाइप से हम चेक करने वक्त ध्यान रखना होगा, जो हमें पकड़ना है मशीन को चलते वक्त, प्लास्टिक वाला हिस्सा ही पकड़ना है, लोहे वाले हिस्से को टच नहीं करना है। तो दोस्तों मशीन के अंदर वास्तव में बिल्कुल पूरा करंट है, कहाँ से शॉर्टिंग है इसके बारे में कंप्लीट हम चेक करेंगे, मशीन को खोलेंगे। दोस्तों वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, ताकि कोई जानकारी आपसे छूट ना जाए। तो ये देखिए दोस्तों मशीन में स्पार्क भी बिल्कुल नॉर्मल सा ही आ रहा है, मशीन का साउंड भी ठीक आ रहा है, और मशीन चल भी ठीक रही है आराम से बिल्कुल, आर्मेचर भी इसका फॉल्ट नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये देखिए मशीन को हमने यहाँ पे चेक भी कर लिया है इसको। तो दोस्तों मशीन के जो कार्बन बूस है, सबसे पहले हमें जो कार्बन बूस हैं इसके उनको खोलना होगा, उसके बाद में आगे हम चेक करेंगे मशीन का जो करंट है कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, ताकि आपसे कोई भी नॉलेज मिस ना हो यहाँ पे। तो दोस्तों कार्बन बूस यहाँ पे देखिए, कार्बन के जो होल्डर हैं एक एक पेज से रुके हुए हैं, दोनों पेज खोलकर हमने कार्बन होल्डर और कार्बन इसके निकाल दिए हैं। तो दोस्तों उसके बाद में हमें हेड के जो चार पेज हैं सामने की तरफ उनको खोल लेना है, उनको खोलकर हेड को बिल्कुल अलग कर लेना है यहाँ पे। तो दोस्तों ये हेड हमारा देखिए काफी आसानी से खुल चुका है, ग्रीसिंग भी नहीं है, पूरा हेड बिल्कुल सूखा हुआ है अंदर से, और ये बैरिंग इसका लूज है दोस्तों, आर्मेचर की जो सीट है आगे वाली, और ये देखिए इसको यहाँ पे। तो दोस्तों आर्मेचर को अंदर से निकाल लिया है, डस्ट कवर को निकाल कर अंदर से थोड़ा फिजिकली चेक करेंगे। दोस्तों फील्ड बिल्कुल फ्रेश नए की तरह चमक रहा है इसका, फील्ड कहीं से शॉर्टिंग है नहीं, पीछे की तरफ से भी ओके है, आर्मेचर भी दोस्तों देखिए कहीं से बिल्कुल भी फिजिकली डैमेज है नहीं, बिल्कुल भी कहीं से जला हुआ नहीं है, यदि जला हुआ होता तो ये चलता भी अच्छे से नहीं, कहीं से डैमेज लग नहीं रहा है। चलिए सबसे पहले हम फील्ड को चेक करेंगे सीरीज के अंदर यहाँ पे, ये देखिए बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है सीरीज होल्डर वाला, और यहाँ देखिए जो मेन लीड से जो वायर है, हम जो फील्ड का लोहे वाला हिस्सा है उस पर लगाया हुआ है एक वायर को अंदर की तरफ, और दोनों वायर है हमारे जो कार्बन के, उससे भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस टाइप से, कहीं से भी आपका यदि अर्थ बोलता है तो आपकी फील्ड शॉर्ट है, आपको चेंज करनी होगी। तो दोस्तों फील्ड हमारा ओके है, कहीं से भी शॉर्टिंग नहीं बोल रहा है। इसके बाद में चलिए आर्मेचर को चेक करेंगे। तो दोस्तों देखिए आर्मेचर को चेक करने के लिए यहाँ पे कम्यूटेटर से स्टैंपिंग है जो इसकी, यहाँ पे ये देख पा रहे हैं बिल्कुल बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों यहाँ से, तो हमारा आर्मेचर है जो कहीं से फुल शॉर्ट है, कहीं से जो स्टैंपिंग के अंदर इसकी वाइंडिंग कहीं से शॉर्ट हो चुकी है, बाकी ऊपर से कहीं नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों इसमें हम जो आर्मेचर है रिप्लेस करना होगा हमें, तो ये देखिए वर्किंग का आर्मेचर है हमारे पास इस मशीन के लिए, DU10 इसका मॉडल इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो चलिए बॉक्स को खोलकर ये देखिए आर्मेचर इसका, बिल्कुल पुराने वाले आर्मेचर की तरह ही बिल्कुल नॉर्मल आर्मेचर है दोस्तों, ज़्यादा खास अच्छी क्वालिटी है नहीं। बाकी दोस्तों इस मशीन की खासियत है इसके अंदर आर्मेचर आप हल्का भी डालेंगे तो भी काफ़ी अच्छा चलता है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आती। तो दोस्तों नॉर्मल आर्मेचर आपको लगभग 280 रुपये का मार्केट में मिल जाता है, और ज़्यादा ही अच्छा आपको आर्मेचर चाहिए तो लगभग आपको 400 रुपये की रेंज में आपको अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। तो दोस्तों देख पा रहे हैं तो हमारा जो आर्मेचर है जो उसकी स्टैंपिंग बिल्कुल
कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। चलिए पुराने आर्मेचर के जो बैरिंग है हमने निकाल दिए हैं, आर्मेचर हम इसमें बैरिंग जो पुराने ही लगाएंगे। तो इस मशीन में जो हमारा ये बैरिंग देख पा रहे हैं, बिल्कुल दोनों बैरिंग हमने पुराने ही इसके यूज कर लिए हैं। और ये इसका जो डस्ट कवर है इसको भी यहाँ पे लगा दिया है फील्ड के ऊपर, सेफ्टी भी होती है इससे फील्ड की, ये देखिए। और इसके बाद में आर्मेचर हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है, मशीन भी एक बार चेक कर लेंगे। और ये देखिए गेयर बॉक्स के अंदर दोस्तों दो गेयर होते हैं इसके अंदर, दोनों गेयरों के अंदर हमने ग्रीस पूरे में अच्छे से लगा लेना है। ग्रीस इसमें हमने दोस्तों नॉर्मली यूज किया है। और ये देखिए हेड को फिक्स कर देंगे बिल्कुल, हेड को फिक्स करने के बाद में यहाँ पे मशीन को दोस्तों वीडियो कई जगह से हमने फास्ट कर दिया है ताकि ज़्यादा लंबा ना बने और आपका ज़्यादा वक्त भी इसमें ख़राब ना हो। तो दोस्तों ये देखिए हेड हमारा फिक्स हो गया है। उसके बाद में हेड फिक्स करने के बाद में एक बार आपको हाथ से घुमाकर चेक कर लेना है, चक्स को पकड़कर घुमा लेना है आपको, मशीन बिल्कुल फ्री घूमनी चाहिए आपकी। बाकी ये मशीन थोड़ा टाइट घूमती है क्योंकि इसमें डबल गियर होता है आगे की तरफ। तो ये देखिए कार्बन बुश इसके ठीक हैं दोस्तों, हम इसमें पुराने ही लगाएंगे इसके अंदर। यदि TU10 के कार्बन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें 100 mm जो हमारा हैंड ग्राइंडर होता है उसके भी कार्बन इसमें बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल सेट आएंगे इसके अंदर। सिर्फ पीछे जो कार्बन का जो कैप होता है पीछे उसका ही फर्क होता है, जो TU10 के कार्बन होते हैं दोस्तों पीछे से चौकोर कैप होती है इसकी, और हमारे 100 mm के जो कार्बन होते हैं उसकी राउंड वाली जो कैप होती है। तो दोस्तों इसका जो ये स्विच है पावर स्विच वो भी हम चेंज कर देंगे दोस्तों, CM4 वाला ही स्विच इस मशीन के अंदर यूज होता है, सबसे ज़्यादा चलने वाला स्विच है दोस्तों, ये हर मशीन के अंदर यूज होता है ज़्यादातर। आपकी कटर मशीन में भी यही स्विच आता है। और ये देखिए ये हमारा स्विच जो TU10 मशीन में भी बिल्कुल परफेक्ट आता है, और प्लेनर में भी यही स्विच लगता है हमारा। तो दोस्तों स्विच हमने इसमें कैमरोन का लगा दिया है, जो कि हमने जो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, 5 एम्पियर का स्विच है दोस्तों, अच्छा चलता है। तो चलिए कंटिन्यूटी बिल्कुल ओके आ रही है, हमने डायरेक्ट इसको देखिए होल्ड भी कर देते हैं स्विच को, स्विच होल्ड भी हो जाता है इसको। तो चलिए एक बार मशीन को हम यहाँ पे चलाकर चेक करेंगे, और उससे पहले एक बार मैं आपको इसकी कंटिन्यूटी, ये देखिए हमने स्विच को होल्ड कर दिया यहाँ पे, और ये इसकी जो कंटिन्यूटी चेक कराऊंगा और मशीन का करंट भी चेक करा देता हूँ। ये देखिए कंटिन्यूटी आ रही है दोनों वायर इसके, क्योंकि स्विच को हमने होल्ड कर दिया है। और यहाँ पे ये देखिए अर्थिंग ड्रिल चक के ऊपर बिल्कुल भी कोई बल्ब हमारा ग्लो नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल मशीन हमारी ओके हो चुकी है दोस्तों। चलिए इसके बाद में हम मशीन को चेक कर लेंगे यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई देकर। मशीन चल रही है, स्विच को प्रेस करते ही रिलीज हो जाएगा, कोई करंट नहीं है। देखिए हेड को हमने पकड़ा हुआ है हाथ से। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक जरूर कर लें दोस्तों। तो दोस्तों बने रहें चैनल पर लगातार इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक जरूर कर लें दोस्तों। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।